ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई और जमीन लेने के बाद उचित मुआवजा ना देना सामान्य हो गया है। तो ये एक सामान्य सी बात हो गई है, आप जमीन ले रहे हैं और उचित मुआवजा नहीं देना एक सामान्य सी बात हो गई है, और इसके साथ ही आप आदेशों का पालन नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद भी आदेश का पालन नहीं है, तो कोर्ट ने कई ऐसी चीजों पर टिप्पणी की है। अवैस हमारे साथ लगातार बने हुए, अवैस सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद भी आदेश का पालन नहीं, ऐसी कई चीजों को लेकर के कोर्ट ने टिप्पणी की और लगाई है फटकार। बिल्कुल, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी जो हैं अवमानना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ था उसके ऊपर रोक लगाने के लिए आई थी। इसके ऊपर फिलहाल रोक जो है वो जारी रहेगी, जुलाई में सुनवाई होगी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि जमीन जो अधिग्रहित होती है उस मामले में अक्सर हमने देखा है कि जमीन अधिग्रहित की जाती है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता है। कोर्ट में मामला आता है, निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचता है, उसके बावजूद भी अधिकारी जो हैं वो उचित मुआवजा नहीं देते और काम करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे जमकर फटकार जो है वो लगाई है, और ये भी जब याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हमारे मामले में हमको उचित मुआवजा नहीं मिला है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5 से 10 रुपए का मुआवजा देते हैं, इस तरह से नहीं चलता है। तो साफ तौर पर एक बड़ी फटकार जो है नोएडा अथॉरिटी को लगाई है, क्योंकि इस तरह के जमीन एक्विजिशन के मामले देखें, जमीन अधिग्रहित के मामले देखें, नोएडा अथॉरिटी में बहुत ऐसे मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में रितु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हुआ था और गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जब अनुपालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया और उन्होंने अवमानना का मामला जो है वो दाखिल किया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई कि आप लोग जमीन अधिग्रहित करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सही मुआवजा जो है वो नहीं देते हैं। जो जमीन अधिग्रहित करने वाले लोग होते हैं या फिर जिनसे जमीन अधिग्रहित की जाती है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश भी देता है, उसके बाद बड़ी बात आप आदेशों का पालन क्यों नहीं करते, इसको लेकर के साफ तौर पर टिप्पणी की। ओवैस बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो रितु माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, साफ तौर पर जमीन लेने के बाद उचित मुआवजा ना देना अब सामान्य सा हो गया, आप आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो रितु माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फटकारा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है। तो कई मामलों को लेकर के नोएडा अथॉरिटी को लेकर के जमकर फटकार लगाई है, फिर वो चाहे वो उचित मुआवजे की बात हो या फिर अवमानना का मामला हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर के अथॉरिटी पर कहीं ना कहीं सवाल उठे, जिसको लेकर के कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर टिप्पणी की। तो हमने कई केस देखे हैं कि आपने जमीन ली लेकिन मुआवजा नहीं दिया। कोर्ट ने रितु माहेश्वरी की याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। तो रितु माहेश्वरी विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष हैं, पिछली बार रितु ने मुकुल रोहतगी को फिलहाल हार किया था, इस बार सीनियर एडवोकेट की बात करें तो फिलहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, नोएडा अथॉरिटी को ये फटकार लगाई। अवैस हमारे साथ लगातार बने हुए, अवैस सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई, कई ऐसे मामले आए हैं कि जिसको लेकर के चाहे वो आप जमीन को लेकर के बात करें कि आप जमीन ले लेते लेकिन मुआवजा नहीं देते, तो ऐसे कई मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई है। बिल्कुल, साफ तौर पे एक बार अगर आपको याद हो जब ट्विन टावर गिराने की बात हो रही थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी, सख्त टिप्पणी किया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि नोएडा अथॉरिटी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो इस तरह की टिप्पणी भी नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा एक आदेश काफ़ी पहले इस मामले में जारी किया गया था और ये कहा गया था कि उचित मुआवजा जो है वो दिया जाए याचिकाकर्ता को, और जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में थे, उसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी ने जब उसके ऊपर अमल नहीं किया तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने फिर इस मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया रितु महेश्वरी को, जो नोएडा की अथॉरिटी की सीईओ हैं, और फिर उनको दो बार नोटिस जारी किया, दोनों बार वो पेश नहीं होती हैं। जब तीसरी बार उनको नोटिस जारी किया जाता है तो वो कहती हैं कि साढ़े दस बजे का समय जो है वो हाईकोर्ट में पेशी का था उनका, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से वकील कहते हैं कि 10:30 बजे की फ्लाइट वो दिल्ली से लेंगी और फिर दिल्ली से बिल्कुल जो रितु महेश्वरी ने जो फ्लाइट का जो हवाला दिया था लेट का उसको भी लेकर भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई। बस बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।